हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज जयश्री. होप यू ऑल आर फाइन. फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी मंथली एक्सपेंडिचर इन सिंगापुर. सपोज दैट आप स्टूडेंट हैं, आप इंडिया से सिंगापुर स्टडी पर्पस से आते हैं, या फिर आपकी जॉब लग जाती है, आप जॉब पर्पस से आते हैं, या फिर सिंगापुर में आपका कोई बिजनेस है, आप बिजनेस पर्पस से लॉन्ग टर्म विजिट के लिए आते हैं, और अगर आपको मंथली स्टे करना है, तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगी कि आपका जो हाउस रेंट है, आपका फूड एक्सपेंसेस है पर मंथ, आपका जो जिम का एक्सपेंस होगा पर मंथ, आपका मोबाइल एक्सपेंस, एज वेल एज आपके अदर एक्सपेंसेस. तो मैं आपको आपके इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप सिंगापुर आते हैं स्टूडेंट पर्पस से, बिजनेस पर्पस से, या फिर अपने जॉब पर्पस से, तो आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा. तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं हाउस रेंट की. देखिए गाइज, आपके पास थ्री ऑप्शंस होते हैं रहने के लिए. द फर्स्ट वन इज पर्सनल और प्राइवेट रूम. आप प्राइवेट और पर्सनल रूम लेकर भी रह सकते हैं. द सेकेंड ऑप्शन इज आप शेयरिंग में भी रह सकते हैं. एंड द थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन इज हॉस्टल. आप हॉस्टल भी प्रेफर कर सकते हैं. तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी पर्सनल और प्राइवेट रूम्स के बारे में. गाइज, यहाँ पर कुछ जगह ऐसी हैं जैसे कि सिरांगोन, कलांग हो गया, कलांग रोड और लिटिल इंडिया हो गया, ट्योंग भारू है. ये जगहें कुछ ऐसी हैं जहाँ पर रूम्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. तो प्राइवेट रूम्स में होता क्या है गाइज, जो मिनिमम आपका चार्ज होता है दैट इज $500 एंड द मैक्सिमम गोज ऑन टू $1200. वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का रूम चाहते हैं, कितनी फैसिलिटीज चाहते हैं. तो गाइज, लेकिन जो मिनिमम चार्ज होता है वो 500 से ही स्टार्ट होता है. बाकी डिपेंड करता है आपने कौन सी जगह पर लिया है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है. अब गाइज, पर्सनल रूम में आपको फैसिलिटीज कौन कौन सी मिलती हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ. पर्सनल रूम्स जो होते हैं वो वेल फर्निश्ड होते हैं, और गैस जो होती है जहाँ पर आप खाना बनाएंगे किचन में, वो ओनर या लैंडलॉर्ड का होता है. वो अपने आपको खुद प्रोवाइड करेंगे. उसके लिए आपको कहीं पर भी नहीं जाना है. गैस की फैसिलिटी ओनर खुद देंगे, एज वेल एज आपको वॉशिंग मशीन भी ओनर खुद ही प्रोवाइड करेंगे. आपको अपने कपड़े वॉश करने हैं, आप डेली भी वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं, आप वीकली भी यूज़ कर सकते हैं. वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कंफर्टेबल हैं और आपके पास कब टाइम है. प्लस उसमें क्या होता है गाइस, 24 आवर्स वाईफाई फैसिलिटी देते हैं. जो आपका ओनर है वो आपको 24 आवर्स वाईफाई भी देंगे. साइड बाय साइड गाइस आपको एसी फैसिलिटी भी मिलेगा. बट एसी जो है वो रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक ही मिलता है. क्योंकि गाइस, आपको भी पता है, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो दिन में तो अपने होता नहीं है रूम पर. सब लोग अपने कॉलेज में होते हैं. इनकेस कोई वर्किंग है तो भी वो डे में अपने घर पर नहीं होगा, वो अपने कॉलेज में, सॉरी ऑफिस में ही होगा. और बाकी तो इसीलिए जो एसी का फैसिलिटी है वो हॉस्टल्स में भी, और बाकी जो आप रूम्स लेते हो उनमें भी, सब जगह जो एसी है वो रात को 10 बजे से स्टार्ट होता है और मॉर्निंग में 10 बजे वो लोग ऑफ कर देते हैं. अब गाइस, बात करते हैं शेयरिंग वाले रूम्स की. तो शेयरिंग वाले रूम्स में होता क्या है, सपोज दैट आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है. आप सपोज दैट आप 6 बॉयज हैं, आप 6 बॉयज को रूम चाहिए. अब अगर आप पर्सनल रूम हर एक लड़का लेके रहता है तो गाइस बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा. और आपको भी पता है कि सिंगापुर इज अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कहीं पर भी एक 3 BHK ढूंढना है. आप 3 BHK ढूंढिए, साइट्स पर जाइए, बहुत सारी साइट्स हैं यहाँ पर. तो आपको यहाँ पर एक 3 BHK ढूंढना है. 3 BHK में आपको क्या करना है, आप 6 बॉयज हैं, आप एक रूम में 2 बॉयज रहेंगे, दूसरे रूम में फिर से 2 बॉयज, एंड द थर्ड वन जो होगा उसमें भी फिर से 2 बॉयज. गाइज, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूँ, यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उन्हीं को फॉलो करके चलें प्लीज़. यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप 10 और 12 लड़के इकट्ठे एक ही 3 BHK में रहेंगे, तो वो इल्लीगल है. अगर किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी तो ओनर को भी पेनल्टी पे करनी होगी, साइड बाय साइड आपको भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगा. तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि अगर आप सोच रहे हैं आप 10 और 12 बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, आप इकट्ठे एक ही 3 BHK में रह लेते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, इट्स टोटली इल्लीगल. तो अगर आप 6 बॉयज़ हैं तो आप 3 BHK में जा सकते हैं. आप दो बॉयज एक रूम में रहें, दो एक में रहें, और फिर दो एक में रहें. उसके लिए क्या होता है, सपोज दैट जो 3 BHK होता है उसका आपका जो रेंट होगा वो होगा $1200 तक होता है. अब 1200 में फ़ायदा क्या होगा आप लोगों का, $400 एक रूम में जो रह रहे हैं उनको पे करना होगा, 400 जो दूसरे रूम में है उनको पे करना होगा, और 400 जो थर्ड वन में है उनको पे करना होगा. अब एक रूम में दो बॉयज हैं तो दोनों को फिर हाफ हाफ पे करना होगा, क्योंकि जो रेंट है वो कंट्री हो जाएगा. 200 एक को करना होगा, फिर से 200 एक को करना होगा. तो जो ग्रुप्स में होते हैं, जो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, सपोज दैट इंडिया से कुछ बॉयज स्टडी के लिए आए, बहुत सारे फ्रेंड्स आए, तो वो लोग उसके लिए ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं. आप 3 BHK लें और उसमें सारे मिलके रहें, 6 जितने भी हैं आप लोग, 6 हैं, 5 है, जो भी है, उसमें आपका रेंट जो है वो बहुत कम कम पड़ेगा आप लोगों पे. उसमें किचन भी होगी. किचन में क्या होता है, ओनर आपको गैस तो देंगे ही,
आपको अपना सामान मार्केट से परचेस करके लाना है और आप वहाँ अपना खाना बना सकते हैं। सबका सामान अलग अलग रखा होता है, कोई किसी का सामान नहीं छेड़ता है। आपको लगता है कि कोई आपका सामान उठा लेगा, यूज कर लेगा, तो वहां पर कैबिनेट्स बनी होती हैं। आप अपना सामान वहां रखिए और अपना सामान आप लॉक कर दीजिए कि आप अपने पास रखिए, कोई आपका सामान नहीं छेड़ने वाला है। प्लस आप इस चीज में एक और काम कर सकते हैं, अगर आपका खुद का कोई ग्रुप नहीं है तो आप नेट पे जाएं या आप किसी भी एजेंट के पास जाएं जो रूम्स दिलवाते हैं, वहां पर आप बोलें कि मुझे 3 BHK में शेयरिंग में रहना है या 4 BHK है या जो भी है, आप उनको बोलें कि मुझे शेयरिंग में रहना है, तो वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, वो आपको किसी एक के साथ शिफ्ट कर देंगे, आप उनके साथ भी रह सकते हैं। बस उसमें ये है कि आपको किसी अननोन के साथ रहना पड़ेगा, और जो आपके खुद के फ्रेंड्स होते हैं उनमें ये होता है कि आपका खुद का सर्कल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका नेचर बहुत अच्छा होता है, बहुत जॉली नेचर के सब लोग होते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो आप इसमें ये वाला भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आप अपने एजेंट को बोल सकते हैं कि मुझे शेयरिंग में रूम चाहिए, वो आपको शेयरिंग में रूम दिला देंगे, आप उनके साथ रहें। एक रूम में 2 बॉयज या 2 गर्ल्स होते हैं। ड्राइंग रूम जो होता है गाइस, वो कॉमन होता है। ड्राइंग रूम में आप आराम से बैठिए, टीवी देखें, जिसका जो मन कर रहा है वो टीवी देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। और प्लीज लेकिन ऐसा ना करें, बहुत अजीब सा बिहेव ना करें, आप बहुत तेज साउंड करके आप टीवी देख रहे हैं, म्यूजिक देख रहे हैं, कोई स्टडी कर रहा है, कोई अपना ऑफिस का काम कर रहा है, दूसरे आदमी को मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बस मैं आपसे यही बोलना चाह रही हूँ। तो गाइस इसमें क्या होता है, ये वाला ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं कि एजेंट को बोल के आप किसी और के साथ भी रह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज्यादा रेंट बचता है। अगर आप प्राइवेट रूम्स लेके रहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आपका एक्सपेंस हो जाएगा, 500 आपको खुद को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं तो आपको हार्डली 200 और $270 पे करना पड़ता है, जिसमें AC भी आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको वॉशिंग मशीन मिलेगा, आपको गैस भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपका जो वाईफाई होगा वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो गाइज ये बात तो हो गई अब शेयरिंग की, अब आ जाते हैं हॉस्टल पे। गाइज हॉस्टल के लिए मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था हॉस्टल का क्या होता है। हॉस्टल का जो होता है वो $20 पर डे होता है और $25 या $30 मैक्सिमम होता है पर डे का। बट अगर आप मंथली के हिसाब से अगर आप पूरे महीने की एक साथ बुकिंग कराते हैं तो कुछ हद तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन वो भी $500 to $600 तक ही जाता है। बट हॉस्टल के लिए फ़ायदा क्या होता है, आपको ब्रेकफास्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और वाईफाई तो मिलता ही है 24 आवर्स, ब्रेकफास्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और AC का जो सीन है वो ये है कि AC भी आपको नाइट में 10 PM से लेके मॉर्निंग में 10 AM तक ही मिलता है, उसके बाद AC ऑफ कर देते हैं। और प्लस आपको वॉशिंग मशीन मिलती है, लॉन्ड्री मिलती है आप अपने। बट गाइस होता क्या है, हॉस्टल में जो है आप वॉशिंग मशीन डेली यूज़ नहीं कर सकते हैं, वीकली या फिर वीक में 2 बार ही यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको टॉवल्स दिए जाते हैं, आपको बेडशीट्स मिलती हैं, आपको ब्लैंकेट्स मिलते हैं, आपको आपकी पर्सनल एक कैबिनेट मिलती है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। तो गाइज ये तो हो गया हाउस का, आप पर्सनल रूम भी लेके रह सकते हैं। पर्सनल में आपको 500 पे करना होगा और जो शेयरिंग वाले होते हैं उसमें 200 to 270 पर हेड पर जाता है, और जो हॉस्टल का होता है उसमें होता है $500 to $600 पर हेड। तो गाइज ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आप सिंगापुर में स्टे कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं कि हम कहाँ पर रहें कहाँ ना रहें, तो ये ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो गाइज सब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, इनकेस आपकी जॉब है तो जॉब वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि मोस्टली कंपनी ही उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। जो लोग जॉब में हैं, जो सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं, वर्किंग हैं, उनके साथ बेनिफिट ये होता है कि मोस्टली कंपनीज ही अकोमोडेशन देती है, उनको रहने का कोई टेंशन ही नहीं लेना होता है। बाकी जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैंने इतने सारे ऑप्शंस बताए दिए हैं, आपके पास हॉस्टल फैसिलिटी है, आप शेयरिंग में रूम रह सकते हैं, लेके रह सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, आपको प्राइवेट रूम्स चाहिए तो वो भी मैंने आपको बता दिया। बट गाइस जो चीप एंड बेस्ट होता है दैट इज शेयरिंग वाला रूम होता है। आप अगर शेयरिंग प्रेफर करें तो उसमें आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, प्लस आपको सारी फैसिलिटीज़ वही मिलेंगी जो हॉस्टल में मिलती है और जो प्राइवेट रूम में मिलती हैं। AC भी है, वाईफाई भी है, वॉशिंग मशीन भी है, किचन भी है। बस थोड़ा सा ये हो जाता है शेयरिंग वाले रूम में, आपका जो किचन होता है वो कॉमन होता है, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आपके दूसरे रूम के कोई फ्रेंड्स खाना बना रहे हैं तो आपको उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे ही वो फ्री हो जाते हैं आप जाके खाना बना सकते हैं। तो गाइज ये बात हो गई रहने की। अब मैं आपको बताती हूँ खाने का, आपको खाने का कैसे करना है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है खाना बनाने का, या जिन लोगों के पास टाइम नहीं है कि मेड को बुलाएं और उनसे खाना बनवाएं, मेड के हाथ का खाना नहीं खाना है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ, मुस्तफ़ा मार्केट, लिटिल इंडिया और जलन बसार स्टेडियम पे कुछ शॉप्स हैं, इंडियन शॉप्स हैं। मुस्तफ़ा में और लिटिल इंडिया में तो बहुत हब है, वहाँ पर इंडियन फूड का हब है, आप वहाँ जाकर इंडियन फूड बहुत आराम से खा सकते हैं। वहाँ आपको साउथ इंडियन भी मिलेगा, नॉर्थ इंडियन भी मिलेगा, मुगलई खाना है, जो भी खाना है सारा अवेलेबल होता है। और बाकी जलन बसार स्टेडियम जो है
वहाँ पर कुछ शॉप्स ऐसी हैं, बहुत सारी नहीं है, बहुत कम शॉप्स वहाँ पर ऐसी हैं, थोड़ी बहुत हैं, 2 या 3 शॉप्स हैं वहाँ पर। आप इंडियन खाना खा सकते हैं, आपको जैसे पराठा हो गया और आप कुछ और भी खाना चाहते हैं, सांभर हो गया, डोसा हो गया, ये चीज़ें बहुत आराम से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अब गाइस मैं आपको बताती हूँ कि एक मील आपको कितने का पड़ता है। अगर आप एक मील खाना चाहते हैं जिसमें आपका 2-3 सब्जियाँ होंगी, आपका रायता होगा, राइस होंगे, पापड़ होगा, चपाती होगी, वो आपको एक मील जो पड़ जाता है दैट इज़ $5 का, बहुत आराम से पड़ जाता है। और $5 में आप इतना सारा खाना आपको मिल जाता है। अगर आप दोबारा भी लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा लेने के लिए दोबारा से पैसे पे करने पड़ेंगे, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब एक बार मील लेते हैं तो उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर एक्स्ट्रा आपको ग्रेवी चाहिए या फिर एक्स्ट्रा थोड़े बहुत राइस चाहिए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, कुछ जगहों पर ऐसे मिल जाता है। बट किसी किसी, अगर आप किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने तो आप अगर सोचेंगे वहाँ पर आपको फ्री में ऐसा कुछ मिलेगा तो जी नहीं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ आपको पे करना पड़ेगा। अब गाइस आप शॉक्ड होंगे, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जैसे ही आप मुस्तफ़ा से बाहर निकल कर आते हैं वहाँ पर कुछ शॉप्स ऐसी भी हैं जहाँ पर सिर्फ $2.5 में, मतलब $2.50 में पूरी मील मिल जाती है। और गाइस उसमें इतना सारा सामान होता है कि आप अकेले खा भी नहीं सकते, आप अगर शेयरिंग करके खाएंगे तो भी, मैं तो यही कहूंगी कि तो भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सारा खाना देते हैं। $2.50 में भी यहाँ पर मील्स मिलती हैं। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर $3 में आपको चपाती और आपको सब्जी वगैरह मिल जाती है। तो खाने का तो ये हो गया, और मैं तो बस यही कहूँगी कि मुस्तफ़ा मार्केट बहुत पास में है, वहाँ से आप खुद का सामान परचेस करें, वहाँ से आप दाल खरीदें, चावल खरीदें, और आप तो आटा भी खरीद सकते हैं। और आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ आपको जो किचन होगा आप आराम से वहाँ बैठ कर हेल्दी और हाइजीनिक खाना बनाएं और उसका मज़ा लें। और उसके बाद गाइज ये तो हो गया फूड का, अब मैं आपको बताती हूँ मोबाइल का। गाइज मोबाइल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जैसे कि सिंगटेल हो गया, एमआई हो गया, M1, सॉरी एमआई नॉट M1, तो सिंगटेल हो गया, M1 हो गया, और बहुत सारे सिम है यहाँ पर, बहुत सारी कंपनीज हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है इनके बारे में, बट जो मेरा खुद का पर्सनल है वो सिंगटेल में यूज़ करती हूँ। और उसमें फ़ायदा क्या होता है, $15 में एक हॉट 55 करके रिचार्ज आता है। हॉट 55 जो है वो एक प्लान है, यहाँ पर आपको $15 में एक हॉट 55 का प्लान कराना है। उसमें प्रॉफिट ये होगा कि आपको इंडिया जब आप कॉल करेंगे आपको कुछ मिनट्स मिलते हैं, आप उन मिनट से कम भी नहीं तो 4-5 घंटे आप इंडिया कॉल कर सकते हैं, आराम से बातें कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपको जब भी इंडिया कॉल करना है आपको 019 प्रिफिक्स करके ही कॉल करना है। गाइज अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही कॉल करेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपका बैलेंस चुटकियों में खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइज हमेशा माइंड में ये बात ध्यान रखें कि आप जब भी इंडिया कॉल करें आप 019 प्रिफिक्स करके ही कॉल करें। सॉरी, इसमें आपका बहुत सारा बैलेंस बचेगा और बहुत कम चार्जेस लगते हैं, कुछ सेंट्स करके चार्जेस लगते हैं, बहुत सारे नहीं लगते हैं। और अगर आप ऐसे डायरेक्टली कॉल मिला देंगे तो आपका सीधा डॉलर में कटता चला जाएगा। तो हमेशा जब भी इंडिया कॉल करें 019 प्रिफिक्स करके ही कॉल करें। तो गाइज ये तो हो गया मोबाइल का, अब आते हैं जिम पर। गाइज एक्चुअली मैं जिम नहीं करती हूँ तो मुझे जिम का ज़्यादा पता भी नहीं है, लेकिन मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स जिम करते हैं, मैं उनसे ही मैंने पता किया था। तो मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बताया है कि अगर आप जिम भी जाना चाहते हैं तो $130 में आपकी कुछ मेंबरशिप होती है 6 मंथ्स के लिए। बाकी कुछ जिम ऐसे भी हैं जो $30 से $40 पर मंथ लेते हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और गाइस सबसे अच्छी बात सिंगापुर में ये है कि जितने भी मॉल्स होते हैं, लाइक सिटी स्क्वायर मॉल हो गया, रेफल्स प्लेस पे जो मॉल है, और भी बहुत सारे शॉपर्स मॉल जो है, वहाँ पर कुछ क्या होता है MWF में, मतलब मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और कुछ मॉल्स में ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे एक शो होता है, एक एरोबिक्स की फ्री क्लासेस होती हैं जो वो लोग मॉल्स वाले खुद प्रोवाइड कराते हैं। आप वहाँ पर जाकर एरोबिक्स की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो हर मॉल में होता है, कुछ डेज होते हैं, किसी मॉल में कुछ डेज होते हैं, किसी मॉल में कुछ और डेज होते हैं। आप उन डेज पर जाएं, आप फ्री में एरोबिक्स क्लासेस ले सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। मैंने भी एक दो बार क्लासेस ली है वहाँ पर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं आता है, बहुत सारे लोग आते हैं और वो लोग फ्री में वहाँ पर एरोबिक्स सिखाते हैं। ऑलमोस्ट 2 to 2.5 आवर्स का सेशन होता है। आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एरोबिक क्लासेस ले सकते हैं और बहुत मज़ा आता है, बहुत लोग वहाँ पर इंजॉय करते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको बताया फूड, आप कितना फूड का आपका क्या एक्सपेंस होगा पर मंथ के हिसाब से, आपका हाउस का कितना रेंट पे करना होगा पर मंथ के हिसाब से, आपका मोबाइल का क्या होगा। और गाइज सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, जो मोबाइल का जो पर मंथ का चार्ज होता है ना वो $15 से $18 तक या पूरे महीने आपसे ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली आजकल सभी लोग व्हाट्सएप पे, IMO पे, मैसेंजर पे कॉल करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने पैसे ना वेस्ट करें, आप मैसेंजर पे ही अपने घर वालों को कॉल करें, आपके पैसे भी बचेंगे। बाकी जो मैंने आपको हॉट 55 का रिचार्ज बताया है आप वो रिचार्ज कराएं,
और उससे आप जब भी इंडिया कॉल करें 019 प्रीफिक्स करके ही कॉल करें, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। तो गाइज मोबाइल का भी मैंने आपको बता दिया, प्लस जिम का भी मैंने आपको इतना अच्छा बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट एरोबिक्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।